विवाहिता के एक्सीडेंट के बाद मौत को लेकर मायके पक्ष ने साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगाया है। विवाहिता की 4 साल पहले शादी हुई थी, एक बच्ची है। मायका पक्ष ने विवाहित पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, 3 साल की बच्ची पर भी ससुराल पक्ष द्वारा अत्याचार के आरोप लगाए हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। घटना थाना जवा के कासिमपुर इलाके की है। जानकारी के अनुसार कानपुर की रहने वाली संगीता की शादी अलीगढ़ के रहने वाले विजय कुमार से 5 साल पहले हुई थी। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर संगीता को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। मृतक की भाभी सुधा ने आरोप लगाया कि छोटी छोटी बातों पर संगीता को ताने सुनाए जाते थे और विरोध करने पर मारपीट की जाती थी। संगीता का मोबाइल भी छीन कर रख लिया जाता था। मंगलवार को पति विजय कुमार पत्नी को रामघाट रोड स्थित जीवीएम मॉल में फिल्म दिखाने ले गया। मॉल से पिक्चर देखकर दोनों लौट रहे थे। रास्ते में अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री से लगभग 1 किलोमीटर पहले विजय की i10 कार में पंचर हो गया। विजय अपनी गाड़ी साइड में खड़ी कर पंचर वाले टायर बदल रहा था। उसकी पत्नी संगीता मोबाइल से टॉर्च जलाकर स्टेपनी खुलवाने में मदद कर रही थी। इसी दौरान कोहरे में तेज गति से आ रहे डंपर ने संगीता को रौंद दिया। संगीता की मौत की खबर रात में ही मायके पक्ष को दी गई। वहीं मृतक की भाभी सुधा ने पति विजय और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाभी ने बताया कि साजिश के तहत प्लान करके संगीता का एक्सीडेंट कर हत्या की गई है। थाने में तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की। ससुराल पक्ष ने साजिश के तहत संगीता की हत्या करने के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, संगीता की 3 साल की बेटी को भी ससुराल में टॉर्चर किया जाता था, जिसका वीडियो भी सामने आया है। घटना को लेकर पुलिस जांच कर रही है। लक्ष्मण सिंह राघव की रिपोर्ट, अलीगढ़। पता नहीं, मेरे पास तो 2 बजे रात में खबर आई है, रात में 2 बजे कि क्या कहते हैं ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया है, सीरियस है मैटर, आप जल्दी जल्दी आ जाइए। अब मुझे ये घटना बिल्कुल सोची समझी प्लानिंग लग रही है। मुझे बिल्कुल ये नहीं लग रहा है कि वो घटना एक्सीडेंट ही है। वो क्या लग रहा है आपको? मुझे ये लग रहा है कि वो सोची समझी प्लानिंग है, बिल्कुल उसको मारने की साजिश है। किस पर शक है आपको? पति पर, वही था साथ पहले में। कोई प्रताड़ित करता था? बहुत प्रताड़ित करते थे पहले भी, आए दिन इनके सास ससुर सब बोलते थे, सब इनको बुरा भला कहते रहते थे, और मतलब बहुत प्रताड़ित ही करते थे पहले भी। मारपीट इन्होंने की है उसके साथ में, और बच्चे को भी मारते हैं इनके, बच्चे को भी प्रताड़ित करते हैं, जिसका मेरे पास वीडियो भी है, और मेरे पास इनके निशान भी है जो इन्होंने मारे हैं। बच्चों को किस तरह से प्रताड़ित? ईंटा रख रख करके उसके ऊपर प्रताड़ित किया है, उसके ऊपर पीठ पर ईंटे रख देते हैं। वीडियो है? हाँ है हमारे पास उसका वीडियो। आपको सूचना कैसे मिली इनके साथ में ये घटना हुई? ये वाली अभी तत्काल वाली, ये हमें फोन करके बताया, पड़ोसी से, पड़ोसी को फोन दे दिया गया, उसने बताया। नहीं, उन्हीं के फोन से पड़ोसी ने बताया हमें। कितने साल पहले शादी कर लिया? 2018 में। कितने बच्चे इनके? एक बच्ची है 3 साल की। 3 साल की जी। तो किस बात को लेकर प्रताड़ित करते थे? इस बात को, उनकी कोई बात ही नहीं थी हमेशा, तुम ऐसे नहीं करती हो, तुम ऐसा काम नहीं कर पाती हो, इनके घर का ऐसे हमें नहीं कभी देखा कि किसी घर में क्या खाया जाता है, क्या पहना जाता है, क्या नहीं कहता, हमने तो आज तक उनसे कुछ ऐसा कुछ नहीं कहा। और फोन के लिए था वो, फोन हमेशा उनका छीन करके रख लेते थे, मारपीट करके फोन छीन छीन करके रख लेते थे अपने पास। तो हमने इनको पिछले साल ये रक्षाबंधन पे आई तो मैंने इनको फोन दिया कि अब तुम, अब कोई फोन छीने तो मुझे बताना। तब मैंने इनको फोन वहां से दे दिया, तो इनको फोन से भी प्रॉब्लम थी कि ये घर से फोन ले आई है, घर से फोन ले आई है, अब ये घर से, घर में सारी खबरें कर देती है, मर्डर किया हुआ है। मुझे बिल्कुल सब ये लग रहा है, एक्सीडेंट का अमली जमा पहनाया गया। हाँ, एक्सीडेंट को बिल्कुल रूप दे दिया गया, लेकिन ये है सोचा समझा, बिल्कुल प्लान मर्डर है। हाँ बिल्कुल देंगे, कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए इस पर।